पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की तरफ से पुलिस लाइन में लाइब्रेरी बनाई गई है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट अनु अस्थाना ने किया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी प्रियंका कश्यप सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अनु अस्थाना ने प्लेटिनम जुबली बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेताओं को ट्रॉफी भी प्रदान की। इसके अलावा पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनु अस्थाना ने पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि पूर्वी दिल्ली के पुलिस लाइन में खोले गए लाइब्रेरी का फायदा यंग पुलिस जवानों के अलावा परिसर के आवासीय कॉलोनी में रहने वाले पुलिस परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अनु अस्थाना ने यंग पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए ताकि वो और आगे बढ़ सके। ये जो लाइब्रेरी जो आज बनी है, आई एम सरप्राइज, इतनी अच्छी जगह में इतने सिस्टमैटिकली इन्होंने बनाया है। कुछ टिप्स मैंने भी दिए हैं। मुझे लगता है कि जो यंग कॉन्स्टेबल्स हैं, यंग एएसआईज हैं, जो भी हैं जिनकी उम्र अभी सिविल सर्विसेज देने की है, सारे पढ़ के आप लोग एक झटके में दो। साहब लोग भी देखो 22-23 साल के ही थे जब इन लोगों ने कम्पीट किया था। तो मुझे लगता है जितने आप लोग रेसिडेंट्स हैं, उनके बच्चे जो अपने जो हैं, हमारा भी एक ड्राइवर था, उसने मेरे ही घर में बाहर में बरामदा में पढ़ाई कर बैठ के पढ़ाई करके ही कम्पीटेड। सो मैं चाहती हूँ कि सबके घर में लड़कियाँ लड़के, इनफैक्ट जो यंग ऑफिसर्स हैं उनकी बीवियाँ, यू शुड ऑल्सो ट्राई।